पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इसे लेकर वो लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब एनआरसी को लेकर दिया एक बयान ममता पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। ममता ने कहा था कि एनआरसी से देश में गृह युद्ध और खून खराबे जैसी स्थिति बन जाएगी। उनके इस बयान को लेकर अब असम के डिब्रूगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल पिछले दिनों जब असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के अंतिम मसौदे को जारी किया गया था, तब उसमें 40 लाख लोगों की नागरिकता को अवैध ठहराए जाने पर ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क उठा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि असम के नेशनल सिटीजन रजिस्टर के पीछे सियासी मकसद है और वे इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगी। दिल्ली में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए ममता ने कहा था कि बीजेपी देश बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। ऐसे ही चलता रहा तो देश में खून खराबा और गृह युद्ध होगा। ममता बनर्जी के इस बयान ने अब उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। उनके इस बयान को लेकर असम के डिब्रूगढ़ जिले के नाहरकटिया पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि ममता के खिलाफ ये एफआईआर बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने दर्ज करवाई है, जिसमें ममता पर प्रदेश के सांप्रदायिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ममता असम में एनआरसी की शांतिपूर्ण प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ममता के इस बयान पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि इस मुद्दे पर ममता देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करें। डीवीलाइव की रिपोर्ट।